हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ठीक नहीं थी कल तक, ये देखो क्या हो गया मेरे साथ। और ये कल मैं खाना बना रही थी तो जल गई हूँ मैं यहाँ पर। ये देखो, ये नाक के पास, ये गले पर, और ये आँख में आ गया तेल गरम यहाँ पर। तो मैं बना रही थी कचौड़ी, बताती हूँ आपको पूरी कहानी बैठ कर आराम से। और खाना बन गया है, ऑफिस के लिए निकल गए हैं निकू के पापा। काव्या चली गई है स्कूल, क्योंकि आज काव्या की छुट्टी नहीं थी। अष्टमी है आज, लेकिन काव्या की छुट्टी नहीं थी। और निकू तो घर में ही था, निकू के स्कूल तो मंडे से खुलेंगे। निकू का मम्मी ले गई अपने घर पे कंजकों में। आँख में मेरे गरम तेल आ गया था। एक्चुअली हुआ क्या कि कल निकू के पापा ने, मैंने फ़ोन करके पूछती हूँ डेली कि क्या बनाना है आज, तो मैंने उनको बोला कि आज दाल चावल बना रहे हैं। परसों की बात थी तो मैंने उनको बोला दाल चावल बना रहे हैं। उन्होंने कहा दाल चावल नहीं, आज कचौड़ी बना लो। तो मैंने बोला कचौड़ी इतनी गर्मी में कौन खाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कचौड़ी ही बनाओ। तो फिर मैंने कचौड़ी बना ली। और वो आए थोड़ा लेट, 10:30 बजे। तब तक हम खाना खा चुके, कभी कभी कुछ होने वाला होता है ना तो घर में थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। तो जब वो आए 10:30 बजे, उससे पहले हम खाना खा चुके थे, लेकिन खाना हमने खाया ही नहीं। कचौड़ियाँ बनाई, बच्चों को भी नहीं पसंद आई, मुझे भी नहीं पसंद आई। मतलब गर्मी इतनी लग रही थी। तो आप, चादर का घर है हमारा, देख सकते हो गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे घर में। और ढंग से खाना भी नहीं खा पाते हम, जब गर्मी लगती है तो ऐसा लगता है बाहर जाकर बैठ जाओ। तो कचौड़ी हमने ढंग से खाई भी नहीं। और फिर निकू के पापा गए, उनको मैंने कचौड़ी दी। एक कचौड़ी दी थी, दूसरी वाली मैं बना रही थी, तो ऐसे कचौड़ी को पलट रही थी, तो वो छपाका आ गया, एकदम से तेल का छपाका मेरे मुँह पर आ गया। छपाका वो यहाँ पर और आँख के अंदर आ गया। फिर हम रात को भागे एम्स हॉस्पिटल, रात के 11 बजे एम्स हॉस्पिटल गए। बाइक भी नहीं थी, इन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया कॉल करके और बाइक मंगाई, क्योंकि उन्हीं की बाइक पर आए थे घर पर। तो उनकी बाइक से फिर हम गए रात को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स। हम वहीं जाते हैं तो 25-30 मिनट में हम लोग पहुंच गए, इतना दर्द हो रहा था आँख में। तो फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने मुझे देखा और उसके बाद सिस्टर से बोला इनको वॉशिंग करो, क्लीनिंग करो। क्लीनिंग कैसे करते हैं? मुझे लिटा दिया स्ट्रेचर पर और नीचे रख दी एक बाल्टी, और लिटा कर मेरी आँख में, जैसे आप गाड़ी को धोते हैं ना पाइप से, ऐसे एक पतला सा पाइप लिया। और फिर उस पाइप से पानी गिर रहा था, पानी नहीं था, उसको बोलते हैं सलाइन, सलाइन बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, अभी मैंने सर्च नहीं किया, देखा नहीं है। मैं एक बार चेक ज़रूर करूँगी कि ये सलाइन होता क्या है। वो एक सलाइन होता है केमिकल, और मुझे तो ग्लूकोज जैसी बोतल दिख रही थी वो, लेकिन वो सलाइन था। क्योंकि डॉक्टर जब आए तो उन्होंने कहा कि सलाइन से वॉश हो गया, तो नर्स ने बोला हाँ जी। तो सलाइन से मेरे आँख में पाइप लगा कर ऐसे धोया और बोला कि आँख को इधर उधर चारों तरफ घुमाओ ताकि जो वॉश है वो अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि ये केमिकल इंजरी है। और केमिकल इंजरी में क्या होता है, आपकी आँख में कभी भी कुछ चला जाए तो आपको अपने आप ऐसे, आप ये मत सोचो कि पानी से आप धो लोगे वो साफ़ हो जाएगा। पता क्या होता है, दिमाग में इन्फेक्शन का भी डर होता है, आँख में इन्फेक्शन का डर होता है केमिकल से, तेल से, तो उसको बोलते हैं केमिकल इंजरी, जिसके लिए सलाइन से वॉश करना बहुत ज़रूरी है पहले। उसके बाद उन्होंने मेरी आँख चेक करी और एक ड्रॉप डाली, उससे भी मेरी आँख चेक करी। फिर उसके बाद मुझे 2 ड्रॉप्स दे दी रिफ्रेश टीयर्स, और एक आँख में लगाने की ट्यूब कैप्सूल टाइप की वो दे दिया। तो वो मैं डाल रही हूँ, हर 2 घंटे में मुझे ड्रॉप डालनी है। और अब मुझे ठीक दिख रहा है बिल्कुल, उस टाइम थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था एक्चुअली, वो ना साइड में ही आया था। और अब देखो अगर आपको दिख रहा है तो, दिख रहा है, तो फलक सा आ गया था साइड में। और यहाँ पर जो है स्किन पर मैंने लगा ली सिल्वर एक्स। सिल्वर एक्स एक ऐसी दवाई है, मैं बता रही हूँ आपको, 90 रुपये की छोटी ट्यूब आई है। वो ट्यूब आप अपने घर में हमेशा रखिए, क्योंकि सिल्वर एक्स को मैं तो ये कहूँगी किचन में, जैसे आप ज़रूरी चीज़ें मसाले वगैरह ये सब रखते हैं, सिल्वर एक्स एक ऐसी दवाई है, इसको आप हमेशा अपने घर में रखिए रसोई में। क्योंकि जो घर में लेडीज़ हैं और सिस्टर्स हैं वो हमेशा काम करती हैं, कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हाथ वाथ जल जाता है, कहीं पर भी गर्म छींट आ जाती है, कहीं पर तवा लग जाता है, गर्म फ्रेंक पैन लग जाता है। कोई भी लेडी जो घर में काम करती है किचन में, उसके साथ ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि वो जली होगी, चाहे वो इतना सा जले। तो ये मैं भी कई बार, हाथ वाथ मेरा जल चुका है, अब आप देखेंगे। तो सिल्वर एक्स एक ऐसी दवाई है जिसको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। जब मैंने इसमें, उन्होंने बताया कि इस पर क्या लगा रहे हो आप, तो मैंने उनको बोला सिल्वर एक्स, कह रहे वाह इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सिल्वर एक्स मैं लगा रही हूँ, अब आप देखना मुझे 1 हफ्ते बाद ही कि ये जो निशान है ये वाले, ये भी चले जाएंगे, ये जो निशान है ये भी गायब हो जाएंगे सिल्वर एक्स से। और फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है, जैसे ही आप सिल्वर एक्स को लगा लेते हो, एक अपना रखो हमेशा, सिल्वर एक्स को रखो घर के अंदर हमेशा, फर्स्ट एड बॉक्स में
समझ के, जैसे सिखाया जाता है ना स्कूल में, फर्स्ट एड बॉक्स में आप अपनी ज़रूरी मेडिसिन को रखो, तो आप सिल्वर एक्स को हमेशा रखो, सिल्वर एक्स के ट्यूब को छोटी वाली लाकर जब भी आप जलते हो कहीं से भी तो फटाफट आप उसको लगा दो, तो आपको एक तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठंडक मिलेगी, और इसके अलावा जब आप उसको डेली हर रोज़ लगाओगे तो जो जलने का निशान है वो बिल्कुल चला जाएगा, आप यकीन मानिए। आप सर्च कर लीजिए नेट पर कि ये कितनी अच्छी दवाई है। तो यार बता दिया आपको मैंने, कचौड़ी का कचौड़ा बन गया मेरा। डॉक्टर भी कह रहे थे क्या कर रहे थे आप, जल गए। तो मैंने कहा कि कचौड़ी बना रही थी, डॉक्टर कह रहे इतनी रात को कचौड़ी कौन खाता है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड, कह रहे कहीं गुस्से में तो नहीं डाल दिया। MLC के लिए बोल रहे थे, वो MLC होती है जब किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसको दूसरा कोई करता है उसके साथ, जुर्म होता है। तो वो कहने लगे हस्बैंड ने गुस्से में तो नहीं डाला ससुराल वालों ने आपके ऊपर। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाना बना रही थी और मेरी गलती की वजह से ही तेल आ गया, और मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गए। तो डॉक्टर बोले कि यहाँ आकर सब अच्छे ही बन जाते हैं। तो हो सकता है ऐसे केसेस आते होंगे मोलेस्टेशन के, या लेडीज़ के ऊपर हैरेसमेंट के, या उनके ऊपर उनको मारपीट के जो केसेस आते होंगे, इसलिए डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप मुझे सच सच बताइए कि आपके ऊपर किसी ने गर्म तेल तो नहीं डाला। तो मैंने उनको कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, और ये मैं खुद ही अपनी गलती की वजह से जल गई हूँ। तो उन्होंने मुझको दवाई दे दी, और डॉक्टर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे पर्सनल दिया एम्स में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे डॉक्टर हैं कि उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दिया, और इतने बड़े डॉक्टर ने कहा कि कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं, कोई खुजली हो, दर्द हो, जलन हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि दवाई कौन सी डालनी है कौन सी नहीं डालनी, कुछ भी है। थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, यहाँ पर भी मैं जल गई थी, और कल मैंने क्या किया, यहाँ पर एकदम जब जब जलते हैं ना, जलने के बाद क्या होता है, जब वो ठीक हो रहा होता है खुजली होती है, तो ये यहाँ पर भी खुजली कर ली मैंने, थोड़ी सी स्किन हट गई। ये अगर आप इसको खुजली कर लो ना, निशान पड़ने का डर रहता है, तो ये भी देखो ये भी वाइट हो गया, स्किन हट गई थी। तो फिर हम रात को आ गए 11:30 बजे हॉस्पिटल से घर, और बहुत बुरा हुआ। और हमारे घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आजकल। जब से हम, मैं घर को दोष नहीं दूंगी लेकिन सच बता रही हूँ, जब से हम इस घर में आए हैं पता नहीं नज़र लग गई है, क्या हुआ है। आपको पता हम किराए पर रहते थे, कैसी कंडीशन में रहते थे, फिर हमने ये घर लिया, बहुत मुश्किलों से हमने ये घर ख़रीदा है, और हमने ये घर लिया उसके बाद से ही हम बहुत परेशान हैं। अभी हम एक मंदिर भी गए थे, आपने वीडियोस देखे होंगे, कि हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाए, बाबा जी की मेहर हो जाए हमारे ऊपर। और पता नहीं घर में क्या हो रहा है, कोई नज़र है किसी की, क्या चीज़ है, मैं तो इन सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती, लेकिन अब जब सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा शक होने लगा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है इस घर में कि जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम रेंट पर रहते थे, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, जब मैं जल गई तो लगातार कुछ चीज़ ऐसी हो रही, एक चीज़ ठीक नहीं होती दूसरी आ जाती है, एक मुसीबत जाती नहीं है दूसरी पहले आ जाती है। तो कल मैंने गुस्से में निकू के पापा से ये भी बोल दिया कि चलो भाई खाली कर देते हैं मकान और किराए पर चलते हैं, भगवान ना करे हमें किराए पर कभी रहने के लिए जाना पड़े। लेकिन हम सच में बहुत परेशान हैं यहाँ पर, और एक तो गर्मी इतनी है। हम पता क्या करते हैं, रोज़ स्कूल से आएगी काव्या, अभी मैं काम करूँगी, काव्या स्कूल से आएगी, और उसको लेकर, निकू को लेकर मैं खाना पैक करके मम्मी के घर चली जाऊँगी, और वहाँ जाकर हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी है कि हम लोग बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। अभी तो हम बैठ पा रहे हैं, 9:30 हुए हैं, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन आएगा, दिन बढ़ेगा, दोपहर में धूप बहुत तेज़ होगी, क्योंकि ये जो कमरे की दीवार है ना, इसके पीछे कोई मकान नहीं है, दोनों तरफ भी इस तरफ मकान है लेफ्ट साइड, लेकिन ना तो राइट साइड मकान है ना ही पीछे मकान है, पूरा खाली है, धूप पड़ती है पीछे से, तो घर में एक गैस टाइप की बनती है, गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, लगता है हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी गर्मी से। तो फिर हम लोग मम्मी के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ पर रेस्ट करते हैं, फिर बच्चों को 3 बजे ट्यूशन छोड़ देती हूँ, फिर वो 5 बजे आते हैं, फिर हम 5 बजे घर में आते हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से, और माता रानी हमारा घर बन जाए जल्दी से, हमारी छत बन जाए, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कहीं से पुरानी पत्थर मिल जाए, पुराने वाले तो वही डलवा ले, तो कम से कम पक्की छत हो जाएगी, तो इतनी गर्मी नहीं मिलेगी लगेगी, क्योंकि चद्दर की छत में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो पक्की छत हो जाएगी तो गर्मी नहीं लगेगी, छत पर धुलाई बुलाई कर दो, पानी डाल दो तो थोड़ा ठंडा हो जाता है घर। तो पैसों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, हमारे पास नहीं है इतना पैसा कि हम लेंटर वेंटर ढंग से डलवा पाएँ, और जो लेंटर का जो सरिया होता है, लेंटर के लिए जो मटेरियल आता है, इस टाइम इतना महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया, आसमान छू रहे हैं उसके दाम, तो हम लोग लेंटर भी नहीं गिरवा पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आपसे, बहुत दिन से बात भी नहीं हुई है, तो बहुत कुछ है जो आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ है जो आपको बताना चाहती हूँ। तो आगे आगे व्लॉग्स में जुड़े रहिएगा हमसे, बहुत कुछ है आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और भगवान हमारी खुशियाँ वापस लौटा दे। जो जो प्रॉब्लम्स में हैं हम अभी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ गई है कि
मन करता है हर वक्त रोते रहो, लेकिन मैं रो नहीं सकती क्योंकि रोना कोई सॉल्यूशन नहीं होता मेरे बच्चों। जब इंसान अपने ऊपर होता है ना तो झेल लेता है, लेकिन बच्चों को कुछ हो जाए ना तो आप सोच सकते हैं कि कितना दुख होता है। और बच्चों के ऊपर कोई परेशानी, तो ऐसी कोई परेशानी हमारे ऊपर आ गई है, शेयर ज़रूर करूँगी आपसे आगे आने वाले टाइम में। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्ची को लेकर, बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है मुझे। बस माता रानी कृपा करें, मेहर करें, और आप लोग भी प्रे करना, दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए हमारी लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आँख पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं, मंदिर का दिया जल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है जलते हुए। तो गाइस कर लेती हूँ काम, 9:30 हो गए हैं, अभी निक्कू भी आ जाएगा मम्मी के घर से कंज के खाकर, और काव्या को भी स्कूल से लेने जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में आपकी बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो आप ही कर सकते हो। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप डायरेक्टली तो मैं आपसे कोई मदद नहीं ले सकती हूँ, लेकिन यही वीडियो व्लॉग्स के ज़रिए आपसे मदद मांगना चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प ज़रूर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।